पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में समर्पण निधि संग्रह अभियान का आगाज किया है। जहां बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के साधे निशाने पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। ये आत्मसमर्पण नहीं है, ये चंदा वसूली है। पहले मुख्यमंत्री जी कहते थे भांजे भांजियों का मामा हूँ, अब चंदा मामा कहलाएंगे। वैसे ही भोपाल में एक विधायक चंदा मामा के नाम से फेमस है। और जो कोरोना काल में जनता त्रस्त हो गई, जिनके काम धंधे बंद हो गए, जिनके रोजगार चले गए, जिनका कोरोना से लड़ाई में पैसा चला गया, किसानों की फसलें नष्ट हो गई, आज उनके पास जाके वसूली की बात कर रहे हैं। बल्कि जाना चाहिए वहाँ पर 65,000 बूथों पर, 1-1 लाख रुपए हर परिवार को दें। मोदी ने कहा था 15 लाख हर परिवार को देंगे, 15 नहीं दे रहे तो एक तो दो। तो कुल मिलाकर के इस देश के अंदर जिस प्रकार से काले धन पर चलती रही, भ्रष्टाचार पर जिनकी नींव खड़ी हो, वो यही सोच सकते हैं, वो समर्पण समझ ही नहीं सकते। क्योंकि वसूली, अपराधीकरण, ये तो उनके खून में है, इसलिए उनको यही लग सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जरा देखें नज़दीक से आकर के, कि कार्यकर्ता का समर्पण है ये किसी से जाकर के कोई लेने नहीं जा रहा है। ये कार्यकर्ता हम सब आपस में मिलकर के अपने संगठन को समर्पण करने का काम कर रहे हैं।